मनावर तो मदीना, मौला मनावर तो मदीना, चुका दिला दार मसीना, अल्लाह मनावर तो मदीना, अल्लाह मनावर तो मदीना। अर्ज मनी और वड़ा पारा, अक्स मदीना दिला दारा। अर्ज मनी और वड़ा पारा, अक्स मदीना दिला दारा। सबसे पहले मैं स्कूल के मुंतजमीन को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक खूबसूरत और पुरवकार तकरीब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुनक्किद की। ऐसे स्कूल्स में प्रोग्राम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन वजह कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके सीरत पर प्रोग्राम करना, और मैं पर्सनली अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे मौलाना लियाकत साहब ने इनवाइट किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं समझता हूँ आज के इस प्रोग्राम में फरिश्तों की भी नुज़ूल होगी, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात हो रही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वजह कायनात है, उनकी वजह से मैं, आप, पूरी दुनिया, ये कायनात बनाई गई और अब तक चल रही है। और जो इस पूरे कायनात का जो निज़ाम है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जिंदगी के गिर्द रिवॉल्व करती है। तमाम इंसानियत की कामयाबी, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कामयाबी जो है तमाम इंसानों की कामयाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सीरत में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें टीचर बन के दिखाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाप बन के दिखाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमा बन के दिखाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया का वो हर किरदार बन के बताया कि आपने इस दुनिया में आना है तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और किस रास्ते पे चलना है ताकि आपकी कामयाबी हो। ना सिर्फ ये, चूंकि अल्लाह पाक ने इस कायनात को ऐसे तरतीब दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, उन सब का सरदार अल्लाह पाक ने जो है हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आखिरत में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें जो है हमारे जो है आखिरत की जो कामयाबी है वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही होगी। इस दुनिया में रह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि आपने इस दुनिया में आना है, अपने दुनियावी मामलात कैसे चलाने हैं, इसी की बदौलत आपकी आखिरत संवर जाएगी। हम बहसियत मुसलमान आज के इस फितने के दौर में बहुत ही खुश नसीब हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, ये हम सब का ईमान है। लेकिन इस दीन के काम को कौन करेगा, इस दीन के काम को आने वाली नस्लों तो कौन लेकर जाएगा? तो इसके लिए अल्लाह पाक ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा निज़ाम दिया कि हमेशा हमारे पास हमारे रहबर होंगे मौलाना की शिकल में, हफाज की शिकल में, आलिम की शिकल में, कि वो हमें हमारे दीन का बताएं और सही रास्ता बताएं। हम शुक्रगुजार बने कि हमारे मुआशरे में ऐसे अल्लाह पाक ने लोग हमें दिए जो आज तक बगैर किसी दुनियावी लालच के इस दीन की खिदमत कर रहे हैं, और इनकी बदौलत ही हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा मैं स्कूल के बच्चों के बात बारे में भी बात करना चाहूँगा ज़रूर। माशाल्लाह जिस हिसाब से इन्होंने स्पीचेस दिए, जितना कॉन्फिडेंस था इनमें, इनका डिलीवरी बहुत ही ज़बरदस्त था। ख़ासकर जो बच्ची माशाल्लाह सेकंड पोजीशन, तूबा आई गैस उनका नाम, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कम्पीट किया था, सेकेंड पोजिशन हाल की थी, हासिल की थी, वो डिजर्व भी करती है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स आए माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने नात पेश किया और स्पीचेस दिए, और आखिर में जो बच्चा आया छोटा 3 साल का, ये ऐसे बच्चे ही हमारे माशरे के फूल होते हैं कि हम, हमारा माशरा जो है इन्हीं से ही खूबसूरत होता है। तो आप सबका
बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और मैं छोटे बच्चों के लिए अपनी तरफ से 50,000 रुपए का ऐलान करूंगा कि इन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया, इसमें हिस्सा लिया। अगली दफा ऐसा कोई भी प्रोग्राम होगा तो बाकी जितने बच्चे हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करें और स्कूल का भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और हमारे मुआशरे और कौम का भी नाम रोशन करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इस अजीम प्रोग्राम में मुझे हिस्सा बनाने का मौका दिया।